हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच जो ODI सीरीज चल रही है, उस ODI सीरीज के फिफ्थ मैच की मैच प्रेडिक्शन, जो कि खेला जाएगा 24 जून की दोपहर 3:30 बजे भारतीय समय अनुसार, और ये मैच होगा इंग्लैंड के मैनचेस्टर ओल्ड ट्रैफर्ड में। तो आइए, ये जानने से पहले कि मुझे क्या लगता है दोनों टीमों में से कौन सी टीम ये मैच जीतेगी, हम सबसे पहले नज़र डालते हैं दोनों टीमों की गेंदबाजी के ऊपर और देखते हैं किस टीम की गेंदबाजी ज़्यादा मजबूत है। तो सबसे पहले अगर मैं इंग्लैंड की गेंदबाजी के ऊपर नज़र डालूं, तो उनके पास आदिल रशीद, मोइन अली, लियम प्लंकेट, टॉम कुर्रन और डेविड बिल्ली जैसे गेंदबाज है दोस्तों। वही अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी पर नज़र डालूं, तो उनके पास एंड्रू टाय, बिल्ली स्टैनलेक, जेड रिचर्डसन, नेथन लायन, माइकल नीस, एस्टन एगार जैसे गेंदबाज है दोस्तों। तो वहीं अगर मैं पल्ला भारी की बात करूं, तो मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया का पल्ला भारी है गेंदबाजी में इंग्लैंड से। और अगर मैं पॉइंट्स की बात करूं, तो मैं 52 दूंगा ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी को और 48 दूंगा इंग्लैंड की गेंदबाजी को। अब आइए दोनों टीमों की बल्लेबाजी पर नज़र डालते हैं और देखते हैं किस टीम की बल्लेबाजी ज़्यादा मजबूत है। तो सबसे पहले अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी पर नज़र डालूं, तो उनके पास ओपनर टिम पेन, आयरन फिंच, ग्लेन मैक्सवेल, शॉन मार्श, एलेक्स कैरी और डर्सी शॉर्ट जैसे बल्लेबाज हैं दोस्तों, और मार्क स्टोइनिस जैसे ऑलराउंडर हैं। वहीं अगर मैं इंग्लैंड की बल्लेबाजी पर नज़र डालूं, तो बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उनके पास जॉनी बेस्टो, एलेक्स हेल्स, जेसन रॉय, ओइन मॉर्गन, जो रूट और जॉश बटलर जैसे बल्लेबाज है दोस्तों। वहीं अगर मैं पल्ला भारी की बात करूं, तो मुझे लगता है कि इंग्लैंड का बल्लेबाजी में पल्ला भारी है, इंग्लैंड की जो बल्लेबाजी है वो ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अगर मैं पॉइंट्स की बात करूं, तो मैं 55 दूंगा इंग्लैंड की बल्लेबाजी को और 45 दूंगा ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी को। आइए दोस्तों, अब ये देखते हैं कि मुझे क्या लगता है दोनों टीमों में से कौन सी टीम मैच जीतेगी और किस टीम के मैच जीतने के चांसेस कितने हैं। तो ये मैच खेला जाएगा इंग्लैंड के ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में। तो दोस्तों, मैं बैक करूंगा इंग्लैंड को ये मैच जीतने के लिए, क्योंकि इंग्लैंड जो है ये सीरीज़ अपने होम कंडीशंस में खेल रही है, तो मैं इंग्लैंड को बैक करूंगा ये मैच जीतने के लिए। हाँ, लेकिन अगर मैं चांसेस की बात करूं, तो 60% चांसेस है इंग्लैंड के मैच जीतने के और 40% चांसेस है ऑस्ट्रेलिया के मैच जीतने के। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, जो मेरी मैच प्रेडिक्शन की वीडियो है, इसको मैं 100% सही होने की गारंटी नहीं दे सकता, इसको मैं 90-95% सही होने की गारंटी दे सकता हूँ। अगर आप लोगों को लगता है कि ये मैच इंग्लैंड नहीं ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, तो आप ऑस्ट्रेलिया के साथ जा सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपकी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसी मैच प्रेडिक्शन की वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा जो इन दी एंड आपको मैच प्रेडिक्ट करने में हेल्प करेगी। ओके गाइस, टिल द नेक्स्ट वीडियो, एंजॉय लाइफ।